हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एक भाई का सवाल आ रहा था कि जब हम हिंदी टाइपिंग करते हैं तो जो ऑल्ट वाले वर्ड है, यानी कि अगर हमें कुछ ऐसे शब्द टाइप करने हैं जो कि कीबोर्ड से डायरेक्ट टाइप नहीं होते, उनके लिए हमें ऑल्ट वाला बटन दबा के और कुछ कॉर्ड लगाने पड़ते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लो हमें चंद्र बिंदु लगाना है, हमें अगर क्रे लगाना है, अगर फे के नीचे आधा रे लगाना है, इस तरीके से इन चीजों का हम कैसे लगाएं, टे के नीचे आधा टे लगाना है, तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द है जो हिंदी वर्णमाला के अंदर बनते हैं और हमारे सर दर्द को बढ़ाते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो इसके बाद जो भी ऑल्ट वाले की वाले वर्ड है वो आप लोगों के लिए परमानेंटली सर दर्द आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला हूं, आप लोगों को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि करना चाहते हो तो करो, कोई तकलीफ नहीं है, आप काम करते करते ही इन चीजों को सीख जाओगे दोस्तों। वो कैसे, देखिए, इसके लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूं और मैं आप लोगों को चेक के चल रहा हूं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। अब हम जब कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहे हैं तो आप यहां चल के देखेंगे दोस्तों कि मैंने यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया हुआ है, कुछ और भी नहीं कर रखा, बिल्कुल आप सिंपली यहां देख सकते हैं मैंने केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर रखा है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद आप लोगों को आ जाना है दोस्तों यहां पर इंसर्ट टैब के अंदर। आप जैसे ही इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे, इंसर्ट टैब में आपके बिल्कुल ही बिल्कुल इधर ही इधर कोने में जहां पे आपका ये लास्ट में एजुकेशन और साइम्बॉल लिखा हुआ होता है, इस साइम्बॉल पे आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। इस साइम्बॉल पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है मोर साइम्बॉल का, और मोर साइम्बॉल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक अलग टाइप की विंडो आपके सामने खुल के ओपन हो जाएगी और आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। मैं आपको थोड़ी इसको बड़ी करके दिखा दूं भले ही अगर आप लोग चाहें तो, और ये देखिए मैंने इसको यहां से बड़ा कर दिया है दोस्तों। अभी आप अगर आप यहां देख रहे हैं तो यहाँ कुछ अलग टाइप के वर्ड्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो तो अलग अलग, जैसे कि 2x3 है, 1x5 है, इस तरीके के साइम्बॉल्स दिखा रखे हैं आपको। आप चाहे तो इनका कॉर्ड ले सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग कॉर्ड ले सकते हैं, लेकिन ये जो कॉर्ड है आपको अपने फॉन्ट के हिसाब से बताएगा दोस्तों। अब जैसे कि मान लो आपको हिंदी के कॉर्ड चाहिए तो आपके जो हिंदी के कॉर्ड है वो आपको कहां मिलेंगे, हिंदी वाले फॉन्ट में। हिंदी वाला फॉन्ट आप कौन सा यूज कर रहे हैं वो आपको पता होगा, आपके कंप्यूटर में हिंदी का कौन सा फॉन्ट है, वो ड्यूएलएस हो सकता है, वो कृतिदेव हो सकता है, वो ए हो सकता है, वो केबीसी हो सकता है, वो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हजारों तरीके के फॉन्ट आप लोगों के आते हैं दोस्तों। ज्यादा अंतर तो नहीं है, लगभग लगभग सबके कॉर्ड समान होते हैं, कुछ कुछ स्पेशल चीजों को छोड़कर, बस ज्यादा अंतर किसी में नहीं होता, लगभग लगभग सेम होते हैं दोस्तों, है ना। तो आप जिस भी एक का सीख लोगे बाकी के ऑटोमेटिक उसी जगह पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो आपको मान लो ड्यूएलएस 10 का या कृतिदेव का टर्न करना है, तो आप ड्यूएलएस 10 में, आप ड्यूएलएस 10 वाला अपना यहाँ पे डी दबाइए, देखिए कहां पे दबाना है, ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है साइम्बॉल के नीचे इस फॉन्ट वाले ऑप्शन में आप आएंगे और यहां आपको आपका ड्यूएलएस 10 वाला खोज लेना है डी दबा के। और उस ड्यूएलएस 10 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहां देखेंगे आपके सामने हिंदी के सारे फॉन्ट आ चुके हैं आपके दोस्तों, जितने भी आपके यूजेबल हिंदी के फॉन्ट है वो आपके सारे आ चुके हैं दोस्तों। अब देखिए, मान लो आपको आधा से लगाना है तो ये तो कीबोर्ड पे मिल जाता है, रू लगाना है ये भी मिल जाता है, शे भी मिल जाता है, दे के नीचे ध, ये दे दो तरीके से बनता है, ये आपको कभी कभी नहीं मिल पाता है दोस्तों। लेकिन कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करें, जैसे कि फ्रे, यानी कि फे के नीचे आप अगर यहां देख पा रहे हैं तो आधा जो रे लगता है यूं, वो कैसे मिलेगा दोस्तों, देखिए। तो आप जैसे ही फ्रे के ऊपर क्लिक करेंगे आप नीचे अगर आप यहां पे आएंगे जहां पे ये लिखा हुआ है ऑटो करेक्ट और शॉर्टकट की, इसके साइड में आपको देखिए एक शॉर्टकट की दिखाई हुई है दोस्तों, ऑल्ट इज प्लस 0221, यानी कि ऑल्ट के साथ आपको 0221 दबाना है और आपका फ्रे आ जाएगा दोस्तों। तो अब आप लोगों को इसको याद रखने की जरूरत पड़ी क्या, यदि आप कभी भूल जाते हो, वैसे तो याद हो जाएगा काम करते करते, लेकिन यदि भूल जाते हो तो सट से इंसर्ट टैब में जाइए, इंसर्ट टैब में साइम्बॉल में जाइए, साइम्बॉल में मोर ऑप्शन में जाइए, अपना फॉन्ट सेलेक्ट कीजिए जो भी फॉन्ट है ऊपर से, और उस फॉन्ट के जो भी कॉर्ड है वो सारे आपको टोटल यहां दिख रहे हैं दोस्तों। एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपको यहां नहीं मिलेगा, टे डे त्रे ने, टे के नीचे ढे, ढे के नीचे ढे, स्रे के खने, मतलब हिंदी में जितने भी तरीके के अजीब अजीब शब्द, यहां तक कि आपको संस्कृत के शब्द भी यहां पे मिल जाते हैं, क्योंकि संस्कृत में कुछ और शब्द ऐसे हैं जो बहुत अजीब तरीके से टाइप होते हैं दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बड़ी आसानी के साथ ये चीजें यहां पे मिल जाएगी। आप लोगों के सवालों के जवाब शायद मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत दे दिए, अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, आप लोगों के सवाल आप तक जवाब के रूप में मैं पहुंचा दूंगा। आप लोगों से चलते चलते एक गुजारिश है,
अगर वीडियोज पसंद आते हैं दोस्तों तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। आप लोगों से इससे ज्यादा हम कुछ मांगते भी नहीं है, और यदि जुड़ना चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय दोस्तों।